तो यहाँ पर हमने 3 एप्पल ले लिए हैं। हम एप्पल का सिरका बनाने को बता रहे हैं। तो सबसे पहले एप्पल को अच्छे से पोंछ लीजिए इस तरह से। हम 3 एप्पल को ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे कटिंग करेंगे हम इस तरह से। देखिए टैप करने से सब नीचे चले गए। अब ये हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम पानी। देखते हैं कितना ये पानी लेगा। बस ये एप्पल डूबने तक के पानी डालना है, उसके ऊपर नहीं। और ये पानी जो है हमने बिस्लेरी वाटर यूज़ किया है। आप जो है वो पानी यूज़ करिए जिसे हम पीते हैं। पीने वाला पानी डाल दिए बस, कुछ नहीं। और देखिए ये पूरा डूब गया। ये देखिए बस इतना, ये जितने एप्पल आराम से डूब गया है। अब इसमें डालेंगे, क्योंकि 3 एप्पल है तो 1 बड़ा टेबल स्पून नमक और आधा, और समझ लीजिए 1 एप्पल के लिए मैंने आधा टेबल स्पून डाला है। और इसमें शुगर डालेंगे 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और 3, क्योंकि 3 एप्पल है इसलिए हम 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं। और इसे हम लकड़ी के चम्मच से इस तरह से बस थोड़ा सा हिला देंगे ताकि नमक और शक्कर जो है वो अंदर चला जाए। इस तरह से हो गया ये। अब हमें इसे कम से कम 1 महीना के लिए इसे ऐसे ही रखना है, लेकिन हर हफ्ते इसे पानी हम बदलेंगे, मतलब इसका छान छान के इसको बदलेंगे। तो अभी हम इसको टिश्यू लगा दे रहे हैं इस तरह से। देखिए ऊपर आ गया है ये, हाँ। और इसे टिश्यू लगा देंगे इस तरह से और रबड़ बैंड लगा देंगे ताकि ये, और इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर इसे नेचुरल हवा लगती रहे। गर्म जगह या फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर 15 दिन हो गए हैं और हमारा यहाँ पर ये एप्पल विनेगर, देखिए 15 दिन में कैसी इसकी सूरत हुई है। देखिए इसका पानी नीचे आ गया है, वो पूरे के पूरे ऊपर आ गए। तो इसे इस तरह से देखिए, इस तरह से अंदर पहले कर लेंगे हम सब। कैसे गाज आ गया है देखिए, और इसकी स्मेल भी बहुत तेज़ हो गई है। तो चलिए अब इस पानी को फिर से हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि अभी हमें और भी इसे 15 दिन रखना है। कम से कम 1 महीना ये एप्पल के साथ इसका पानी रहना चाहिए। और पानी देखिए कितना कम हो गया है, हमने तो ऊपर तक भर दिया था ना, लेकिन अब पानी देखिए कितना कम हो गया, अब साफ़ हो गया ये। इस तरह से फिर से हम इसे 15 दिन के लिए रख देंगे। ये देखिए तब हमने इसको लगा दिया 1 ये, और अब देखिए
पानी का कलर कितना बदल गया ना छानने से, इस तरह से करना पड़ता है इसे। तो चलिए अब मिलेंगे हम इसको 10 दिन के बाद फिर से। तो देखिए ये 15 दिन हो गया है, हम इसे छान लेते हैं। हमारा ये सिरका देखिए सब ऊपर है और नीचे का कलर देखिए कैसा हुआ है। तो चलिए अब इसको फिर से एक बार छान लेते हैं। तेज महक आ रही है कि जैसे एप्पल बहुत ज़्यादा दिनों का हो गया है, बिल्कुल वैसे ही महक आ रही सिरके जैसी, विनेगर जैसा। इसको अच्छे से नीचे ऊपर कर लेंगे और फिर से हम इसमें, और पानी देखिए कितना कम हो गया है, हमने ऊपर तक भर के लिया हुआ था ना, लेकिन अब इसको नीचे ऊपर करके और फिर छान लेते हैं। हम क्या करेंगे इसको, देखिए पूरा पानी आ गया यहाँ पर, इसे छान लिया इस तरह से। पूरी तरह से इसके पानी निकाल लीजिए अच्छे से, अभी पानी निकल रहा है इसलिए अच्छे से इसको छान ले। और अब ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक नया रुमाल लिया हुआ है, ये नया रुमाल अब इसे भी हटा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया, आज हम आपके लिए खाना तो नहीं लाए हैं लेकिन एक प्रिजर्वेटिव चीज लाए हैं जो है एप्पल विनीगर। एप्पल विनीगर को मैंने आपको बताया है कि हमने उसे कम से कम 1.5 महीना इस तरह से इसमें पानी भर के शक्कर नमक के साथ रखा था। आज ये मैं तीसरी बार छान चुकी हूँ। पहले मैंने छाना छलनी से, फिर ये रुमाल से छाना, ये कॉटन का एकदम प्योर कॉटन रुमाल है। और उसके बाद देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा के अब इसमें भर दिया। ये कम से कम 1 महीना 15 दिन हो गए आज, इतना ये रंग आया है 3 बार छानने पर, और ये मेरा 3 महीने पुराना बना हुआ है। तो अभी मैं इसको जो है फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं इसको अभी 15-20 दिन या 1.5 महीना तक के बाहर रखूँगी तो ये ऐसे रंग का हो जाएगा। जब ये ऐसे रंग का हो जाएगा तो अब इसकी महक बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ खुशबू है, और अब ये काम का हो गया है, ये काम के लायक है। तो इसे कभी भी पेट में दर्द हो तो इसे 1 टेबल स्पून लें और 1 छोटे कप में पानी लें और उसमें मिला के पीना है, तो ये पेट का पाचन क्रिया भी ठीक होती है, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो ये बहुत काम का बन गया है। मैं तो कभी कभी इसमें लहसुन और प्याज डाल के भी खाने के साथ खाती हूँ, कभी कभार ना, उसको रोज़ नहीं करना है। तो ये हमने तैयार किया एप्पल विनेगर। ये जो तरीका है, ये विनेगर है, प्रिजर्वेटिव है, आप इसे साल भर रख के खा सकते हैं। इसे आप फ्रिज में मैं रखूँगी ताकि ये किसी को भी कभी भी ज़रूरत पे काम आए। तो ये देखिए कितना अच्छे से बन गया, घर में एकदम सस्ते में बन गया है। इतना जूस कम से कम सिर्फ 3 एप्पल या 4 एप्पल से आप बना सकते हैं। तो आजकल एप्पल का टाइम है, आप खरीदिए और आसानी से बनाइए, सस्ते आ रहे हैं आजकल मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।